तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं हम अपडेट और यहाँ पर मेरे पास है अपना रेडमी नोट 7 प्रो। और फटाफट से देखते हैं इसमें कैसा फिजिकल व्यू और किस तरीके की चीजें मिलती हैं, इसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है। मेरे पास जो फिलहाल वेरिएंट है वो है 4GB 64GB। और फटाफट से देखते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरीके का फोन है। हालांकि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर फोन मेरे पास नहीं था, अब आया है। और एक्चुअली फोन मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। तो इस फोन को फटाफट से देखते हैं और बताते हैं इस फोन के बारे में आपको, और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपना प्यार मुझ पर इसी तरीके बनाए रखें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसी रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन के फिजिकल व्यू की। यहाँ पर आपको मिलती है 6.3 इंच की LTPS डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और बात करें फोन के साइड की, तो यहाँ पर आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर दो सिम कार्ड। बात करें बैक की, तो यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है आपको और उसी के साथ में मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्लैश लाइट, और नीचे लिखा है रेडमी बाय शाओमी। और इसी के साथ आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है इस डुअल कैमरे के सेटअप में। इसी के साथ बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो काफ़ी फास्ट है और इसी के नीचे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675 का सपोर्ट। साथ में बात करें तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन एंड पावर अनलॉक का बटन भी मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल यहां पर सिर्फ एक साइड है और साथ में मिल जाता है इसमें USB Type-C, आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा 4.0 के साथ में। और इसके बाद अगर हम बात करें फ़ोन के अंदर चलकर, तो यहां पर हम चलेंगे सीधे फ़ोन की सेटिंग में, सेटिंग्स, और यहाँ पर जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलता है वो है 9.0 का, MIUI 10 के ऊपर बेस्ड है ये। एंड्रॉयड 9.0 पाए आपको इसमें मिल जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें इसकी सेटिंग्स की, तो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है ये, और फरवरी का अपडेट इसमें आपको मिल रहा है। शायद डिस्प्ले कैमरा क्लियर नहीं दिखा पा रहा है, पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये सेटिंग्स बैक। इसके बाद बात करते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल 12 मेगापिक्सल पर। और यहाँ पर कुछ सैंपल्स क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक, तो 12 मेगापिक्सल पर क्वालिटी कुछ इस तरीके की है, अच्छी क्वालिटी है, कहीं पर भी फीचर ख़राब नहीं हो रही है। और बात करें 48 मेगापिक्सल की, तो वो मेरे ख्याल सिर्फ प्रो मोड पर यूज़ होता है। शाओमी ने उसके बारे में बताया था कि 25 MB की गरीबन एक फ़ोटो खींचती है, उसमें एक पिक्चर बनती है 48 मेगापिक्सल पे, तो प्रो मोड पर ही यूज़ होगा ये। अफकोर्स स्टोरेज की वजह से ऐसा करना पड़ा है कंपनी को। यहाँ पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पर फोटो बहुत बड़े साइज तक आप जूम कर सकते हैं या बड़ी प्रिंट कर सकते हैं 48 मेगापिक्सल के साथ। अब इसी के साथ अगर हम बात करें बैक कैमरा ओपन और स्लाइड 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 यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा क्लिक, और फ्रंट कैमरे से एक मिनट, हाँ ये रहा फ्रंट कैमरा और पिक्चर क्लिक, और कुछ इस तरीके की पिक्चर है सैंपल्स। ये मेरे फ़ोन के कैमरे की वजह से थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो रही है, बाकी और ट्राईपोर्ट नहीं है मेरे पास, मैं हाथ से ही लेकर वीडियो बना रहा हूँ, ये कहाँ से शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलता है इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन, और Redmi Note 7 में आपको 660 मिलेगा जो कि बढ़िया प्रोसेसर है, और इसमें भी कोई अंडरक्लॉक नहीं है। यहाँ पर आपको 8 कोर मिलते हैं जिसमें से 2 गोल्ड कोर हैं, 6 सिल्वर कोर हैं इसी प्रोसेसर के अंदर। और बात करें ऊपर की तरफ, तो आपको मिलता है यहाँ पर आपको हेडफोन जैक आपको ऊपर की तरफ मिलता है, मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले वाकई बहुत प्यारी है और फोन लैग कहीं से नहीं करता है, मैंने करीबन अभी से काफी देर से चलाया, फोन लैग नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है आपको फोन पसंद आया होगा Redmi Note 7, और फोन वाकई काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको फ्रंट पर मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5, बैक पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, दोनों तरफ से गोरिल्ला ग्लास 5 है। क्विक चार्ज 4 पॉइंट का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, उसी के साथ 4GB 64GB और 6GB 128GB वाला वेरियंट भी आपको इसमें मिलता है। और अगर आप जाएंगे नीचे Redmi Note 7 में, तो वहां पर आपको मिलता है 3GB 32GB 4GB 64GB दोनों वेरिएंट के ऑप्शन मिलते हैं। बात करें प्राइस की, तो वहां पर आपको 10,000 रुपये और 12,000 रुपये का पड़ता है, पर अगर आप बात करें Redmi Note 7 Pro की, तो यहां पर 4GB 64GB वाला वेरिएंट मेरे पास में है जो आपको पड़ता है 14,000 रुपये का। और अगर इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको चाहिए हो, तो वो आपको 17,000 रुपये का पड़ता है। तो यहां पर Redmi Note 7 और 7 Pro दोनों में ही 2-2 वेरिएंट निकल कर आते हैं,
बाकी फोन का ओवरव्यू बहुत अच्छा है। 48 मेगापिक्सल कैमरा प्रो मोड पर ही काम करेगा, नॉर्मली काम नहीं करेगा। पर 12 मेगापिक्सल के साथ में भी शाओमी के इस कैमरे में बहुत बढ़िया फोटो आती हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। और साथ ही बात करें इस फोन के प्रोटेक्शन की, तो बाकी वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी ली होंगी, मैं इसे तोड़ नहीं सकता क्योंकि फोन अकॉर्स मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो थोड़ी सी ले बिकॉज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ में फोन पकड़कर ही वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।